दिल्ली में 1734 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं रैली में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आज इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल्य देशों में इतना समर्थन मिलता है। सीएए पर विरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज ममता दीदी कोलकाता से सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शरणार्थी और घुसपैठियों में भी अंतर समझाया। पीएम ने कहा कि एक घुसपैठिया कभी अपनी पहचान नहीं बताता है और एक शरणार्थी कभी अपनी पहचान नहीं छिपाता है। ऐसे कई घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं और बोल रहे हैं, वो अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ रही है, यूपी के सीएम योगी को लोगों को धमकी दे रहे हैं, साथ ही सरकार देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान आंदोलन को असफल बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। साथ ही कहा कि दंगा कराने वाले लोग सरकार में ही बैठे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों को डराना चाहती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कराया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के सीएए को लेकर दिए गए बयान पर उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को सीएए को लेकर आपत्ति क्यों है? सपा के नेता सीएए को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, उनके नेता शहर शहर उपद्रवियों का साथ दे रहे हैं, उनके नेता लोगों को भड़का रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और अपनी जबरन गिरफ्तारी करवाता है, क्योंकि यहां जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी के लोगों से अपील की कि ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहे। मायावती ने कहा कि दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन और आदि करके जबरन जेल चला जाता है। बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने नागरिकता कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को इस कानून में अलग नहीं करना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लागू होने से रोकने के दो तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको रोकने के लिए सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से सभी प्लेटफॉर्म पर अपना विरोध जारी रखें। दूसरा, गैर बीजेपी शासित 16 सीएम सीएए एनआरसी को न लागू करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण पूरे देश में भय और अशांति का माहौल है।
देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नितिन गडकरी ने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। नागपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ भारत ही हिंदुओं को शरण दे सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारत ने सबको अपनाया है। आगजनी पर योगी सरकार एक्शन में आ गई है। सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। योगी सरकार पहचान कर सभी को वसूली के लिए नोटिस भेज रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5,400 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। 879 लोगों को अलग अलग अपराध के तहत जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से 1000 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। ये गोलियां 0.315 और 0.32 बोर की है। 405 खाली खोखा बरामद किए गए हैं। हिंसा में जिन 18 लोगों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर लोगों को देसी कट्टे से गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को सीने में गोली लगी। गोली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरती हुई अंदर चली गई, लेकिन ये गोली पुलिसकर्मी की शर्ट के पॉकेट में रखे पर्स में फंस गई, जिससे कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए सीओ लोनी राजकुमार पांडे ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गाया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में नागरिकता कानून को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। बांदा के डीआईजी दीपक कुमार ने शहर के अल्पसंख्यक इलाकों में लोगों के बीच जाकर उनको एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। जानकारी देकर उनका भ्रम दूर करने का प्रयास भी किया गया है। साथ ही डीआईजी ने स्थानीय लोगों को एक्ट की कॉपी भी बांटी है और उन्हें अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। रामपुर में एडीजी अविनाश चंद्र ने एसपी रामपुर और भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। धर्मगुरुओं ने भी अफवाह न फैलाने और शांति बनाए रखने की अपील की है। यहां अभी भी बाजार बंद है, तनाव बरकरार है। सुरक्षा को देखते हुए गलियां और चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीएए को लेकर पूरे यूपी में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूपी के बाराबंकी में भी सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। कुछ लोगों ने कानून के विरोध में नारेबाजी की है। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची। फिलहाल इलाके में स्थिति जो है नियंत्रण में बताई जा रही है। सीएए को लेकर यूपी में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कानपुर में भी उपद्रवियों ने जगह जगह आगजनी की है और पथराव किया है। संवेदनशील इलाकों की गलियों में तोड़फोड़ की गई है और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कानपुर के लकड़ मंडी इलाके में आगजनी हुई है। फिलहाल उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं संवेदनशील इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। एएमयू में हुए बवाल के बाद एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने पहल करते हुए एसएसपी अलीगढ़ आकाश के साथ टीचिंग स्टाफ क्लब में एक बैठक की, जिसमें एसएसपी और एएमयू के टीचर्स ने एएमयू के बवाल पर अपना अपना नजरिया रखा। वहीं कैंपस में तैनात पुलिस फोर्स को हटाने की मांग भी रखी गई है। लखनऊ पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी की पहचान बताने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सूचना देने वाले शख्स की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अलीगढ़ पुलिस ने पथराव करने वाले उपद्रवियों के फोटो जारी कर दिए हैं। शाह जमाल ईदगाह और चरखवाला चौराहे पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था। पैम्फलेट्स में उपद्रवियों की पहचान बताने वालों को उचित इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई। यूपी में हुई हिंसा पर डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि हिंसा में अब तक 879 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी में विरोध प्रदर्शन में 288 पुलिस वाले घायल हुए हैं। साथ ही कहा कि टीएमसी नेता लखनऊ ना आए। सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रदर्शन की रोकथाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अपील जारी की गई है। सीएम योगी ने
धर्माचार्यों और प्रबुद्ध वर्ग से आगे आकर सभी के दायित्वों के को भली प्रकार निर्वहन में साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि धर्माचार्य और प्रबुद्ध वर्ग शांति कायम रखने में जुटे प्रशासन का सहयोग करते हुए हर नागरिक को वस्तुस्थिति की जानकारी दे कि नागरिकता कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हर नागरिक की सरकार है, सरकार और कानून व्यवस्था पर भरोसा रखे, किसी के बहकावे में ना आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति के आधार पर ही काम कर रही है। सभी योजनाओं में जाति मत मजहब से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। इस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश की जनता से अपील की है कि उत्तराखंड शांति प्रिय राज्य है, ऐसे में यहां पर कोई भी अशांति नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैब को लेकर सीएए को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का नुकसान नहीं हो रहा है, लिहाजा इसमें जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय इसकी असल हकीकत जानें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राज ने कहा है कि शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना सही नहीं है, लोग महाविकास अघाड़ी सरकार से नाखुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके नतीजों को अगले चुनाव में महसूस किया जाएगा। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिल्ली से भोपाल आने के दौरान एक निजी विमान सेवा की सेवाओं में कमी और कर्मचारियों के खराब व्यवहार की शिकायत हवाई अड्डे पर दर्ज करवाई। प्रज्ञा ने स्पाइस जेट के विमान से दिल्ली से भोपाल आने के बाद हवाई अड्डे के निदेशक को अपनी शिकायत दी। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन के तहत 40 मिलावटखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि दूध और दूध से बनी वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक 40 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई और 106 एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान मिलावटखोरों पर 4,56,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तराखंड के रामनगर में 20 साल के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी अनुज रावत अब आईपीएल में नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने अनुज रावत को 80 लाख में खरीदा है। इस खबर से रामनगर सहित नैनीताल वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। अनुज रावत 2012 से दिल्ली की टीम के लिए खेल रहे हैं और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में रांची खेल रहे हैं। देहरादून में आम नागरिकों की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से रंगोत्सव की शुरुआत की गई है। प्रदेश को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। राजधानी की सड़कों पर कायाकल्प करने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से रंगोत्सव चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से ऑनलाइन रजिस्टर की शुरुआत जो है वो कर दी गई है, जिसमें अभी तक 42 लोग जुड़ चुके हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया लेखपाल किसान की विरासत बनाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। फिलहाल लेखपाल को जेल भेज दिया गया है। राजधानी देहरादून में रिटायर्ड पुलिस कल्याण समिति का सालाना अधिवेशन शुरू हुआ। सालाना अधिवेशन में सूबे के डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर सभी रिटायर्ड अधिकारियों को डीजीपी ने बधाई संदेश दिया और सम्मानित किया। दीप प्रज्वलित कर अधिकारियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में वैदिक गणित की भी पढ़ाई होगी। तीसरी से दसवीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2020-2021 में स्कूली शिक्षा में लागू करने के लिए प्रदेश शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। फिलहाल अभी प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से छात्रों को भारतीय पारंपरिक गणित के पहलुओं से रूबरू करवाया जा रहा है।
नगर पालिका श्रीनगर ने जरूरतमंद लोगों के लिए अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े समेत दूसरे कपड़े मुहैया कराने के लिए नगर पालिका ने नेकी की दीवार बनाई है। गरीबों को दान देने के इच्छुक लोगों के लिए नेकी की दीवार बन गई है। यहां लोग अपने पुराने कपड़े रख सकते हैं ताकि जरूरतमंद और गरीब लोग जिनके पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है वो यहाँ से गर्म कपड़े ले सकते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में दो बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां एक की मौत हो गई दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं ट्रैक्टर टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया जिसकी पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव में खुद को आग लगाने वाली रेप पीड़ित की अस्पताल में आज मौत हो गई। 16 दिसंबर को एसपी ऑफिस के बाहर खुद को लगाई रेप पीड़ित ने आग लगाई थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटे चीन ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया है। 55,000 टन वजनी जहाज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की महत्वाकांक्षाओं में उल्लेखनीय उभार है। लियोनिंग के बाद ये चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के आंतरिक मामलों पर बयान देने से बाज नहीं आते। एक बार फिर उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से अब पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। इमरान खान ने आरोप भी लगाया है कि भारत फासीवादी विचारधारा के साथ हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में 150 प्रश्न भेजे हैं। पाकिस्तान द्वारा दी गई अनुपालन रिपोर्ट के जवाब में ये प्रश्न जो है वो भेजे गए हैं। एफएटीएफ ने इमरान सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में जवाब देने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज किए गए आतंकी फंडिंग के एक और मामले में हाफिज सईद और उसके सहयोगियों पर आरोप तय किए हैं। अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच हाफिज सईद और अन्य आरोपियों को एटीएस जज के सामने प्रस्तुत किया। अदालत में आतंकी सरगना हाफिज सईद ने एफआईआर में खुद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के एक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पाकिस्तान के टॉप 4 बल्लेबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शतक ठोके हैं। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शान मसूद ने 135, आबिद अली ने 174, कप्तान अजहर अली ने 118 और बाबर आजम ने नाबाद 100 रन बनाकर भारत के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वेस्टइंडीज टीम के सलामी बल्लेबाज शाई होप ने भारत के खिलाफ कटक वनडे मैच में एक कीर्तिमान हासिल किया है। शाई होप ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3,000 रन पूरे कर लिए हैं। सबसे कम पारियों में इस उपलब्धि को छूने वाले वो एक्टिव क्रिकेटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस मामले में विराट कोहली जैसे दिग्गज भी उनसे काफी पीछे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 रिलीज हो चुकी है। फिल्म के पहले दिन कम से कम 40 करोड़ रुपए कमाने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन आंकड़े बिल्कुल उलट नजर आए हैं। फिल्म ने पहले दिन 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म ने दूसरे दिन करीब 22 से 24 करोड़ के बीच कलेक्शन किया है। फिल्म ने अब तक करीब 49.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। लड़ाई के 2 साल बाद एक साथ कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर ने फोटो खिंचवाई है। दरअसल सलमान खान ने सोहेल खान की बर्थडे पार्टी में सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा को इनवाइट किया था। दोनों पार्टी में पहुंचे और फिर सलमान खान के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बिग बॉस के सीजन 13 में एक बार फिर बवाल हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच जमकर लड़ाई हुई। दोनों के बीच पहले अफेयर होने की भी बातें कही जाती रही हैं। अब हुए बवाल के बीच अरहान खान ने रश्मि देसाई का पक्ष लेते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी।